गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का सेट एएलपी का एक नंबर सेट चल रहा है, ठीक। सेट नंबर एक। अब एएलपी का इसी तरफ 20-25 सेट है। आपको पिछले साल का जो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको दिया जा रहा है। मैथ्स का एएलपी टेक्नीशियन के मैथ्स का क्वेश्चन आपका रहेगा ये, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी अपने माल का माल पर लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सीपी लिखेंगे और इधर एसपी लिख देंगे या मार्केट प्राइस लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। रेशियो से चलते हैं। 20% छूट देता है तो ये सीपी हो जाएगा 80 रुपया, और 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो ये 120 रुपया हो जाएगा, 10% छूट करता है तो ये 90 रुपया हो जाएगा। तो 90 रुपया 10% की जो छूट देता है इसको मेरे भाई सीपी समझ लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? सीपी मान लेंगे। 20% अधिक अंकित मूल्य करता है इसको एसपी मान लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको क्या करते हैं, 3 0 से 0 करते हैं, 3 4 12, 3 3 9 करते हैं, यानी 3 रुपए के सामान को कितने में बेच रहा है, 4 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा? ये 3 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए की लाभ हो रही है, तो 1/3 × 100 लाभ परसेंट के लिए, तो आपका हो जाएगा 33, सही 1/3%। आइए आपका आंसर हो जाएगा, ओके मेरे दोस्त। आगे देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, रेलवे सिग्नल को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो दूरी, सिग्नल को पार करने का मतलब कि रेलवे अपनी लंबाई को खुद पार कर रही है, या किसी खंभा को पार करे या सिग्नल को पार करे, तो आपको ये समझना है कि रेल की लंबाई ही उसकी दूरी होती है। तो दूरी आपका हो जाएगा मेरा भाई 150 मीटर, और 40 का हो जाएगा कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा 2/4, यानी 150/90, और 90 को तोड़ दीजिए किससे, 15/18 मीटर प्रति सेकंड से, तो 18 × 5 = 90, इसे काट दीजिए 5 3 15 30, अब इसे काट दीजिए 6 5 30, यानी 6 सेकंड में पार कर जाएगा, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 0.031325 का पावर कितना है, -2/5 का मान निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.032125 का पावर लिखना है हमें कितना, -2/5, तो ये इसका वर्गमूल आपका क्या होता है, घन, इसका हम फैक्टर करते हैं, तो इसको क्या करें, 5 से करें, 31 25 को 5 से करें, तो 5 6 5 30, 5 9 10, 5 5 25, फिर 5 से करें, 5 5 5, 5 9 10, 5 5 25, फिर 5 से करें, 5 9 10, 5 5 25, फिर 5 से करें, तो 5 5 25, यानी 5 का पावर कितना बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ 0.10 है, तो फिर 1 अंक बाहर करते 0.5 का पावर क्या करो, 5 × -2/5, 5 से 5 काट दो तो मिलेगा क्या, 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। इसका मतलब होता है क्या, 0.5/1.0 कर लो का वैल्यू -2, इसको काटो 5 × 10, तो ये आ जाएगा कितना, 0.18, ठीक है। तो 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 2 के पावर हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा -2, मल्टीपल कराओगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और ये आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस टकरा जाएगा, वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं। a+b का होल स्क्वायर = a² - b², तो a+b का होल स्क्वायर के वैल्यू क्या लिखेंगे, a² + b² - 2ab, तो आप क्या कर ले यहाँ पर, a+b का होल स्क्वायर कर लो,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ प्लस करें, तो क्या करते हैं इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए प्लस बी और एक बार ए प्लस बी, दो बार कर दिया, इसका क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला ए प्लस बी काट देंगे, मेरा मिलेगा ए प्लस बी अब बटा में ए माइनस बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, प्रातः 7:07 यानी 7:07:05 के बीच मिनट द्वारा निर्मित त्रिभुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी 7 बजे से लेना है 7:05, यानी ये 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 6 × 5 यानी कि 6×30 डिग्री, ये 30 डिग्री का कोण बनाया गया। त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर सुई की लंबाई है, तो निकालेंगे इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे थीटा बटा 360 × πr² यानी थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 और बटा में 360 और गुने पाई बराबर 22/7 × r = 7/7, ऐसे ऐसे काट देंगे भारतीय 36 कर जाएगा, 7 से 60 कर जाएगा, 7 × 14 = 4, 7 × 14 = 15 और बट्टा में आपका 12 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे उतना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 154/12, 12 × 12 = 3, 4, 12 × 2 = 36, 12 × 24 = 24, यानी कि 01.0, 12 × 12 = 96, 96 × 4 = 40, 12 × 36 यानी आ जाएगा 12 °86 कितने मिनट के कौन बनाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं, एक नगर की जनसंख्या 4.2 × 10^6 है, यदि वार्षिक जनसंख्या 1,075 की दर से बढ़ती है तो 2 बरस बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या पी कितना दिया हुआ है? 4.2 × 10^6, सीधा सा बात है, हम निकालेंगे ए बराबर पी 1 + r/100 × n से, तो ये आ जाएगा 42.2 × 10^6 हो जाएगा, आ इधर आ जाएगा 1 + 75/1000, 75/1000 निकाल लीजिए, इसके बाद में यहाँ 2 कर लीजिए, 25 × 75 = 100 आपका आ जाएगा कितना 4.2 × 10^6 आ यहाँ हो जाएगा 40 × 3 = 43, 43/40 × 43/40, ये 2 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ 4.2 × 10^6 × 10^6 के जगह पर हम कर दे कितना 2 जीरो और बढ़ा दे 10^4 कर ले गुने 43 × 43 अब बटा में 40 × 40 अब ये कर ले का इसको 6 है तो 6 जीरो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट सब पूरा फैक्टर कर देते हैं, तो 1/1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, अब बचेगा कितना 4.2 × 10^10 × 1 × 2 × 3 × 4 × 2 × 2 × 4 × 43 × 43/4 × 4 अभी काट लो कितना बार में कर जाएगा, 4 × 2 = 5 × 10 = 5 × 2 × 4 फिर आपका आएगा कितना इधर इधर आपका आ जाएगा 4.2 × 5/3 × 43 × 43/2 × 4 इससे काट दो 25 × 50 अभी आ जाएगा आपका कितना 2 × 4 = 4 21 × 42 = 2.1 अभी कर जाएगा 2.1 × 250
और गुने 43 को 43 से गुना करा लीजिए तो कितना मिलेगा, 3 × 9 43 का होल स्क्वायर 3 × 9 24 24 के चार हाथ में 2 × 4 = 16 16 17 18 यानी कि आ जाएगा 18 49 और बटा में 2 फिर इसको काट दो तो ये दो चार पाँच 10 यानी 1200 पाँच यानी 21 गुने 1250 गुने 18 49 और यही आपका 2 point यही आपका गुना कर लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ये सिर्फ मल्टीपल करना है और एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए और ये आपका ये होमवर्क हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये गुना कर लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट डे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके थैंक्स।